नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर जनपद के देवबंद में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन हवन के उपरांत लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने फीता काट कर किया। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने देवबंद की जनता से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को जिताने की अपील करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों का जनता के सामने बखान किया और नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराया। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि देवबंद में हमारे कार्यालय का शुभारंभ विधिवत तरीके से मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव हम 2-3 लाख के अंतर से जीत रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं और आगे भी हमारा फोकस विकास पर ही रहेगा। पहले भी हमने रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो या सहारनपुर को विश्वविद्यालय की सौगात हो, हम आगे भी बहुत सारी योजनाएं लागू करेंगे। देखिए जी, हमारा आज देवबंद विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव कार्यालय है उसका विधिवत पूजा के पश्चात और हवन के पश्चात शुभारंभ माननीय मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी द्वारा किया गया और निश्चित रूप से हम इस चुनाव को बहुत भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों का अंतर इस चुनाव में होने जा रहा है। जो बाकी अन्य प्रत्याशी हैं या पार्टियां हैं वो आपस में दूसरे और तीसरे स्थान की प्रतिस्पर्धा में लगे। हमने हमेशा फोकस किया है विकास पर। हमने हमेशा सोचा है कि सहारनपुर जनपद में कुछ ऐसी नई योजनाएं हो, नए प्रोजेक्ट लगे और उसके निमित्त ही चाहे रेल लाइन दोहरीकरण हुआ, चाहे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, चाहे स्मार्ट सिटी, चाहे हाईवे बाईपास, माननीय मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से सड़कों का जाल पूरी विधानसभा क्षेत्र देवबंद में बिछाया गया है और अभी भी लगातार पूरे जनपद में काम चल रहे हैं और साथ के साथ देवबंद रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन, सहारनपुर स्टेशन का भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इस प्रकार से बहुत व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, आगे और भी कार्य किए जाए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।